हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कानिटिक्स बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे uh, जिससे आपकी uh, चीज़ें जो है थोड़ी रिवाइज हो जाएंगी और मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है वेलासिटी एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड एवरेज वेलॉसिटी इंस्टेंटानियस वेलोसिटी, इंस्टेंटानियस एक्सेलरेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स तो मैं ये रज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज है और हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लेंगे और आपको मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आप लर्न करना है आपको और जो मैं फॉर्मूला जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थियरी में यूज करूंगा मैं यहाँ एलिब्रेट करूँगा बट हमारा फोकस रहेगा हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कैसे प्लान करें कैसे अपना टाइम बचा लें नहीं तो स्टार्ट करते हैं कुछ questions? बेस्ड ऑन स्पेशली मोशन इन वन डायमेंशन नहीं तो आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर एक लेक्चर हमें और चाहिए होगा मोशन इन टू डायमेंशन डिस्कस करने के लिए तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्लानिंग सॉल्यूशन कम टाइम में करना ये सारी चीजें हम हाईलाइट करेंगे ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा क्वेश्चन ये देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें मैं लिख देना चाहता हूं आपके लिए जैसे बेसिक चीज जो है आपको पता भी होगा जैसे मान लो हमें बताना है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड में लिखता हूं हमें अगर बताना है एवरेज स्पीड तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है मोटी सी बात है होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ध्यान देना है आपको अपॉन टाइम टेकन ये है एवरेज स्पीड जो हम एवरेज वैल्यू लिखते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन तो ये ऐसे डिफाइंड है बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है दिस इज डिफाइंड इन दिस मैनर ओके तो आपको यह ध्यान रखना है एवरेज स्पीड जैसे मैं और एक दो चीजें हाईलाइट कर दू क्वेश्चन करने से पहले हां तो हमने देख लिया एवरेज स्पीड अगर मान लो मैं लिखूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दो तीन मिनट में मैं सारी चीजें आपको एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं फिर इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और सीखेंगे अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सबको पता है क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम टेकन तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दो चीजें आप समझ गए पहले से भी आपको पता होंगी तो ये डिफिनिशन ही ऐसा है अगर हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने में कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है नहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है वो एक मैथमेटिकल पार्ट है तो ये दो चीजें हैं एक और चीज अगर मैं डिफाइन करूं एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सीलेशन अगर मैं एवरेज एक्सीलेशन डिफाइन करूं तो ये क्या होगा बताओ सबको पता है तो एवरेज एक्सीलेशन इज एवरेज एक्सीलेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और ये आपको पता है कि देखो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज एक्सलेशन वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो इन तीन चीजों को हम आज सीखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपके नीट में पूछे गए हैं ठीक है तो ये हम ध्यान में देते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखो पढ़ो जरा ध्यान से तो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन इज अ कार कवर्ड सम डिस्टेंस इन हाफ ऑफ टोटल टाइम विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2 पॉइंट एवरेज स्पीड अब देखो इसने एक डिस्टेंस को दो इक्वल टाइम में ट्रेवल किया है सपोज तो करो कि डी डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है अच्छा एक एक, एक मिनट ले लो या आधा मिनट ले लो क्वेश्चन को जरा समझने में और ट्राई करो खुद से अगर आप देख रहे हो तो खुद से ट्राई करो हमें अभी आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है और ये क्वेश्चन है आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है एक सर्टेन सिचुएशन में नहीं एक ये सिचुएशन दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो इसको और इस सिचुएशन पे बेस्ड आपको कैलकुलेट करना है कार की एवरेज स्पीड सिंपल है कार की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एन हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम टेक इन टू कवर दैट डिस्टेंस सिंपल चीज उसी का आप रेशन ले लेंगे आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी अब आपको कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कुछ यू नो मैथमेटिक्स के टूल्स यूज करके सिंपल टूल्स जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं हाई स्कूल में जो आप पढ़े हैं क्लास टेंथ में पढ़ें उसको यूज करके आपको डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करना है तो ये गिवन सिचुएशन में जरा आप 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के जरा ट्राई कीजिए तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पे तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा तो हम अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे फॉर्मुला तो बहुत ईजी है बट आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए एक आपको थोड़ी लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए मैथमेटिकल मैन्युपुलेशन चाहिए जो प्रैक्टिस से आप सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके ठीक है अगर कैलकुलस का यूज करना होगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन सेपरेटली वो मैं क्वेश्चन कैलकुलस का कोई भी अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है को, को, कोई कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो मैं उसको सेपरेटली यूज करूंगा हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये बेसिक बातें बेसिक कैलकुलस बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस यू नो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं अब देखो मैं आप इसको सॉल्व करता हूं कार कवर्ड सम डिस्टेंस इन हाफ ऑफ टोटल टाइम विथ स्पीड वी वन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन नेक्स्ट हाफ टाइम बहुत आसान सा है देखो ये मान लो ये क्वेश्चन है ये डिस्टेंस है पूरा और कुछ डिस्टेंस मान लो इतना डी वन डिस्टेंस टी बाई टू एंड डी टू डिस्टेंस टी बाई टू अगर टोटल टाइम कार को मैं एक कार बना दे रहा हूं आपके लिए देखो सपोज तो करो ये कार है नहीं और ए से चली है बी तक गई है और टोटल डिस्टेंस डी है टोटल डिस्टेंस डी है कार ने ये टी बाई टोटल ड्यूरेशन में अगर कार अगर टोटल ड्यूरेशन टी टाइम ले रही है तो टी बाई टू टाइम तक v1 स्पीड से और नेक्स्ट टी वाई टू यानी नेक्स्ट हाफ टाइम वो v2 टू स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी इतने मेरे हिंट के बाद जरा कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करो जरा तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस डी वन प्लस डी टू बाई टोटल टाइम डी ये रेशियो आपको चाहिए देखो यही रेशियो तो चाहिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि V1 वन वी वन स्पीड तक वो हाफ ऑफ जर्नी हा जितना टोटल टाइम लगा है उसका हाफ टाइम यानी अगर ये टोटल टाइम टी लगा है तो टी वाई टू तक वी वन स्पीड से एंड नेक्स्ट टी वाई टू तक वी टू स्पीड से तो डी वन को हम क्या लिख सकते हैं यार देखो डिस्टेंस डी वन इज इक्वल टू वी वन इंटू टी वाई टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ये तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम एंड डी टू इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v2 टू इंटू टी बाई टू डी वन प्लस डी टू आ गया और t आपको पता है बताओ कितना आसान है देखो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं मैं आंसर लिखने जा रहा हूं रख दो भाई अब आओ ना ठीक है तो देखो मैंने d1 को क्या लिख दिया v1 वन इंटू टी बाई टू और प्लस v2 टू इंटू टी बाई टू और t t क्या है t1 वन टी बाई टू प्लस टी बाई टू देखो तो हमारे पास पता चल गया अब हमें अब हमें एवरेज स्पीड पता चल गई अब मैं तो इसको इलेमिनेट करके आपको बता रहा हूँ तो एवरेज स्पीड मुझे पता चल गई ये हो गया v1 t टी बाई टू प्लस वी टू टी बाई टू बाई टोटल टाइम t यानी और एवरेज स्पीड कम्स एज v1 वन प्लस वी टू बाई टू ये एवरेज स्पीड आ गई देखो एवरेज स्पीड आप ये डी और टी और टी हमने तो ये एज्यूम किया था ना तो आपको खुद से एज्यूम करना है जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में आपको बस गिवन v1 और v2 है यू आर गिवन ओनली टू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सीन दैट द स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ टाइम एंड नेक्स्ट हाफ टाइम v2 स्पीड तो यू हैव टू आंसर इन टर्म्स ऑफ वी वन एंड वी टू ओनली आप खुद से डेटा तो नहीं इनपुट दे सकते ना कि खुद से डेटा लेके आपने बोल दिया डी बाई टू या डी वन प्लस डी बाई टी टू टी और समथिंग लाइक दैट जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में आंसर आपको उसी डेटा के टर्म में देना है ओके okay? तो फेयरली लॉजिकल है ये कि एवरेज स्पीड जो है हमारी वी वन प्लस वी टू बाई टू आ गई आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि अगर कोई कार या कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अपने पूरे जर्नी टाइम का हाफ टाइम कुछ डिफरेंट स्पीड से और नेक्स्ट हाफ टाइम कुछ डिफरेंट स्पीड से कवर करती है तो उसका एवरेज स्पीड आता है दोनों स्पीड का एवरेज सिंपली वी वन प्लस वी टू बाई टू ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करने का भी मौका मिल सकता है तो सिंपली आप ध्यान रखोगे इन चीजों का तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कर लोगे आपको करना क्या था सिंपली डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू इंटू स्पीड इनटू टाइम के टर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना था बहुत ही छोटा सा मैनिपुलेशन ठीक है सेम सिचुएशन में आपको फिर से दे रहा हूं और अब जरा मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर टू अब जरा बताइए तो इस सिचुएशन में कैन यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड सेम सिचुएशन बट थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है सिचुएशन मैंने चेंज कर दिया है यू हैव टू कैलकुलेट अगेन एवरेज स्पीड ठीक है तो जरा एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए तो आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़िए और आप सॉल्व करके देखिए कि अरे यू कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है कि आप कर लोगे अगर आपको पहले से आपको नहीं भी आता है तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी यहां दी है बेस्ड ऑन दैट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन गो फॉर इट सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है पिछले क्वेश्चन में क्या था हाफ टाइम ऑफ जर्नी एंड नेक्स्ट हाफ अनदर स्पीड इसमें क्या है हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ सम स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ अनदर स्पीड वहां टाइम था आधा आधा यहां पे डिस्टेंस है हाफ हाफ तो आप ट्राई करो तो देखो क्या सीन है देखो मैं बता रहा हूं आपको सीन ये है यहां पे कार एक है ये बी है सो टोटल डिस्ट जर्नी ऑफ यू नो टोटल पाथ यहां से एक कार करती है लंबी सी कार है और टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो डी बाई टू वी वन स्पीड से एंड डी बाई टू वी टू स्पीड से विथ समाइम टी वन एंड टी टू Okay, देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड मेरे इतने हिंट करने के बाद फिर से जरा आप कोशिश कीजिए तो देखो आप सीखोगे तभी जब आप खुद से ट्राई करोगे कैन यू सॉल्व ऑन योर सेल्फ आप खुद से लेके क्वेश्चन डेटा को इंटरप्रेट करोगे लिखोगे तभी आप सॉल्व करोगे क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना है एग्जाम में आपको खुद से करना है खुद से सोचना है ठीक है तो जरा बताओ तो जरा बताओ तो फिर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है हम बेसिक से जाएंगे एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिखेंगे और हम थोड़ा सा चेंजेज करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड रिमेंबर यू हैव टू रिपोर्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ v1 वन एंड वी ओनली ठीक है v1 v2 के टर्म में ही आपके आं, अपने आंसर को रिपोर्ट करना है ओके तो लेट मी डू टोटल डिस्टेंस डी वन प्लस डी टू बाई टाइम टी ओके वेरी गुड आप डी वन को क्या लिख सकते हो डी ये ये डी बाई टू है ना बाई टू में लिख देता हूं डी बाई टू लिख सकता हूं यहां डी लिख दिया अब देखो डी बाई टू अब ये टाइम टी है नहीं तो देखो हाफ डिस्टेंस तक जाने में डी बाई टू ऐसे में लिख सकता हूं डी बाई टू इज इक्वल टू वी वन वन लिख सकता हूं यार डी बाई टू इज इक्वल टू वी वन इंटू टी वन बेसिक क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और डी बाई टू अगेन इज इक्वल टू वी टू इंटू टी टू बताओ बताओ लिख सकता हूं क्या बताओ फिर ओके okay. अब आपको क्या करना है आपको एवरेज स्पीड चाहिए आप थोड़ा बहुत रिप्लेस कर दीजिए थोड़ा बहुत मैनिप्लेशन कर दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा नहीं पिछले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से सीखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते थे अब जरा इतने इंफॉर्मेशन देने के बाद जरा करो तो अब देखो T1 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं यहां T1 को लिख दो टू इज टी इज इक्वल टू वट टी इज टी वन प्लस टी टू अब मैं लिखने जा रहा हूं आई गोइंग टू गोइंग टू राइट आंसर डी बाई डी बाई टू वी वन प्लस डी बाई टू वी टू एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन टी वन प्लस टी टू टी वन कैन बी रिटर्न एज डी बाई टू वी वन ये डिस्टेंस बाई स्पीड दिस इज डिस्टेंस बाई स्पीड टी वन इज डिस्टेंस बाई स्पीड ठीक है तो अब देखो ये क्या हो गया डी डी तो कैंसिल हो गया अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूं यहां से देखो अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूं यहां से डी बाई डी बाई टू वी वन प्लस डी बाई टू वी टू और आंसर आ गया क्या टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू देखो डी डी कैंसिल हो गया थोड़ा सा कैलकुलेट किया हमारे पास हाँ आंसर आ गया तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू एवरेज स्पीड आ गई थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हमने ये एवरेज स्पीड तब आई है जब कार हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस विथ सम स्पीड एंड अनदर हाफ डिस्टेंस विथ समदर स्पीड v1 वन एंड वी तो दो इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हो ठीक है मैं अगर कंक्लूड करूं देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं कंक्लूड ये कर रहा हूं दो क्वेश्चन पे ये केवल दो क्वेश्चन नहीं था बल्कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो यू हैव टू फॉलो दिस रूल नहीं आपको हमेशा ये सोचना होगा कि डिस्टेंस और टाइम का हमें रेशियो निकालना है और डिस्टेंस को आप डिजायर्ड वैल्यू में कैसे चेंज करें जो गिवन आपके पास डेटा है उसके फॉर्म में डिस्टेंस को या टाइम को आप कैसे चेंज करें और इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है तो अब मैं लिखूं अगर किस कार या कोई भी बॉडी अगर हाफ हाफ डिस्टें हाफ हाफ डिस्टेंस कवर करती है अलग अलग स्पीड से नहीं हाफ डिस्टेंस विथ वी वन स्पीड एंड अनदर हाफ डिस्टेंस विथ वी टू स्पीड देन एवरेज एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आप इसको नोट्स में बन लिख सकते हो आप इसको याद कर सकते हो एज ए फॉर्मूला जिससे आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपर्टाइट तरीके से कर लें। तो ये हो जाएगा टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू समझ लो मैंने कहा इसको v इसको मैंने कहा v v डैस कहा इसको v डैश कहा एवरेज स्पीड जब हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है बी वन सी बी टू से अगर हाफ टाइम अगर हाफ टाइम देखो हमने टाइम को एक बार हाफ किया एक बार डिस्टेंस को हाफ किया जब डिस्टेंस को हाफ किया तो एवरेज स्पीड ये आ रही है और जब टाइम को हाफ किया तब एवरेज स्पीड क्या आ रही है सिंपली v1 वन प्लस वी टू बाई टू ये समझ लो v डबल डैश आ रहा है ये समझ लो v डबल डैश आ रहा है दो सीन दो एवरेज स्पीड एक v डैस और एक v डबल डैस अब आप मुझे बताओ कि कब एवरेज स्पीड ज्यादा है इन विच केस एवरेज स्पीड इज ग्रेटर यू कैन इजली जज पास वैल्यू है तो v डबल डैस कौन सा बड़ा है मान लो आपको एग्जाम में पूछ दिया इस तरह से कौन सा बड़ा है जरा बता, बता सकते हो विच वन इज ग्रेटर और क्या रिलेशन है इसमें बताओ तो आप देख के बता सकते हो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो मान लो आप ज्यादा ऐसे तो ये मैथ्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये हार्मोनिक मीन है और ये अर्थमेटिक मीन है नहीं अर्थमेटिक मीन जो मैथ वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन है ये और ये हार्मोनिक मीन है और अर्थमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से ज्यादा बड़ा होता है आपको हारमोनिक मीन और ये अर्थमेटिक मीन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है वो तो मैंने एडिशनली लिख दिया आप यहाँ से ईजिली जज कर सकते हो कि v डबल डैश और v डैश में कौन सा बड़ा है आप वैल्यू लेके देख सकते हो मान लो हमने 40 और 60 लिया v1 को हमने 40 मीटर पर सेकेंड या 40 किलोमीटर पर सेकेंड ले लिया और v2 को 60 ले लिया तब भी आप देखोगे कि, कि ये 50 आया और ये 48 आ गया चेक करके देख सकते हो आप तो ये वाला यानी जब हाफ हाफ टाइम आप V1 और V2 स्पीड से ट्रेवल करते हो तो एवरेज स्पीड ज्यादा बड़ी आती है इन कंपेरिजन टू हाफ हाफ डिस्टेंस आप V1 और V2 से ट्रेवल करते हो ठीक है तो ये या आप याद रखोगे ध्यान रखोगे और जनरल वे में भी लिख सकते हो आप मान लो कि कोई कार ट्रेवल कर रही है वो d1 वन डिस्टेंस वी स्पीड से d2 टू v2 वी स्पीड से d3 थ्री डिस्टेंस वी टी वी थ्री स्पीड से एंड सो ऑन एंड डी एन स्पीड विन डी एन डिस्टेंस विन स्पीड से ट्रेवल कर रही है तब भी आप एवरेज स्पीड का एक फार्मूला एक जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं और अपनी कॉपी में नोट कर लेना ध्यान से देखना सपोज करो ये कोई डिस्टेंस है और इसमें ये d1 वन स्पीड डी डिस्टेंस v1 स्पीड से d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से d3 डिस्टेंस v3 स्पीड से एंड सो ऑन एंड डी एन स्पीड वी डी एन डिस्टेंस वी एन स्पीड से नहीं तो आप एवरेज स्पीड हमेशा लिख सकते हो ये डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बाई डी वन बाई वी वन प्लस डी टू बाई वी टू प्लस डी थ्री बाई वी थ्री एंड सो ऐसे आप लिख सकते हो हमेशा लाइक दैट जनरल ठीक है ठीक है गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब एवरेज स्पीड वगैरह की बातें बहुत हो गई अब हम दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या है ये दूसरा क्वेश्चन यस अब ये जरा क्वेश्चन देखो तो इसमें आपको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन डिस्टेंस इसका थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा और पूरी चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएंगी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का रोल क्या होता है आप अपनी कॉपी में एक्स वाई प्लेन में कैसे आप डायरेक्शन बताते हो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है आप जरा क्वेश्चन को दो सेकेंड में या दस सेकेंड में पढ़िए और आप अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए एंड आई विल एक्सप्लेन तब आप सीख लेंगे कि कैसे हम एवरेज वेलोसिटी या डिस्टेंस या सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैलकुलेट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कर देगा ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए जरा तो क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व ट्राई टू सॉल्व इट और जब मैं सॉल्व करूंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लर्न करने की कोशिश कीजिए यू नो बेसिक थिंग्स कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है कैसे आ, आप अपनी कॉपी में या एक्स वाई प्लेन में कैसे आप डिस्टेंस को इंडिकेट करते हो टूर्ड्स नॉर्थ टूअर्ड्स साउथ टुअर्ड्स नॉर्थ ईस्ट टुअर्ड्स नॉर्थ वेस्ट तो ये कैसे थर्टी डिग्री फ्रॉम नॉर्थ नहीं थर्टी डिग्री टुअर्ड्स साउथ फ्रॉम नॉर्थ इस तरह की चीजें आप करोगे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ट्राई टू सॉल्व इट ट्राई टू थिंक इट ओवर तो जरा देखिए ट्राई कीजिए मैं अब इसको करने जा रहा हूं एम गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप कार कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू ईस्ट विथ स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर अब जब भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के डायरेक्शन आपको इंडिकेट करना हो तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई है आप लेते हो देखो इस तरह का सिस्टम मैंने ले लिया ये ये और हमें पता है डायरेक्शन भी ये मान लो ईस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये वेस्ट है ये है हमारा कार्टेशियन एक्स वाई प्लेट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन अब उन्होंने कहा क्या कहा देखते हैं क्वेश्चन में ए कार कवर ट्वेंटी किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू ईस्ट विथ स्पीड विजक्वल टू फोर्टी किलोमीटर पर आवर फोर्टी किलोमीटर पर आवर से एक कार देखो फोर्टी किलोमीटर पर आवर से एक कार ट्वेंटी किलोमीटर समझो यहां से कार चली यहां से कार चली ऐसे और ट्वेंटी किलोमीटर ईस्ट तो मान लो ये ए पे पहुंच गई और ये कितना है ये ट्वेंटी किलोमीटर है और किस स्पीड से आ रही है फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है ये क्वेश्चन में इसलिए चुना हूं एवरेज स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस कर देगा एक क्वेश्चन तो से जरा देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं ट्वेंटी किलोमीटर विथ स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर ड्यूइस्ट यानी यह डिस्टेंस ट्रेवल करने में हाफ आधे घंटे समय लगे ये ट्वेंटी किलोमीटर पर ये कार यहां ओरिजिन से चली और ये तक पहुंच गई अब अब देखो ये, का, ये, अब ये आपको खुद आपका करना पड़ेगा क्वेश्चन में यह नहीं दिया कि आप ओरिजिन डिफाइन करो आप एक प्लेन बनाओ ये सब यू हैव टू डू इट योर सेल्फ यह आपको खुद से सोचना होगा नहीं आखिर में आप कैसे बताते हो आपको रेफरेंस चाहिए डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए चेंज इन पोजिशन बताने के लिए जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आपको कोई रेफरेंस चाहिए होगा और रेफरेंस चाहिए होगा तो आपको इस तरह का आपने एक सिस्टम चूज कर लिया और आपने माना कि यहां कार यहां से चल रही है ड्यू ईस्ट और ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हाफ एन आवर में क्यों बिकॉज स्पीड इज गिवन 40 किलोमीटर पर आवर और यू कैन से वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन भी दिया हुआ है आपको तो ये आपका पहला पार्ट हो गया दूसरे पार्ट में क्या उन्होंने कहा है देन फिफ्टी किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन वन आर फिफ्टी किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन वन आवर देखो अब यहां से फिफ्टी किलोमीटर नॉर्थ की तरफ तो ये है ये नॉर्थ है तो हम यहां आ गए पॉइंट बी पे आ गए और वन आवर में फिफ्टी किलोमीटर इट मीन की स्पीड या वेलोसिटी फिफ्टी किलोमीटर पर आवर है यही तो वेलोसिटी या स्पीड होती है वन आवर में चली गई डिस्टेंस आप इसको स्पीड बोल सकते हैं और डायरेक्शन अगर दिया है तो आप उसको बोल सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ ये हो गया ये है 50 किलोमीटर और टाइम टेकिंग कितना है वन आवर मैं टाइम और डिस्टेंस और ये सब क्यों लिख रहा हूं क्योंकि आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज यू नो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको तो आपको टोटल टाइम पता होना चाहिए करना पड़ेगा जर्नी का और टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्प्लेसमेंट है टोटल टाइम टेकन है यू कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ठीक है ये हो गया नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं 50 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन वन आवर अब यहां तक तो हो गया हमारा अब उन्होंने फिर कहा 50 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ़ थर्टी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ़ ईस्ट 50 किलोमीटर और डायरेक्शन उन्होंने दिया हम डायरेक्शन कैसे देते हैं एंगल से देते हैं नहीं एंगल एक डायरेक्शन बताने का सबसे बेहतर तरीका है तो 50 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है गाड़ी या कार तो उसको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में या कितना टाइम लगेगा 20, टू या फोर्टी और पॉइंट ढाई घंटे उसको लगेंगे ट्रैवल करने में तो देखो जरा तो हमारे पास क्या आ गया ये देखो यहां से अब ये है यहां से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ये ईस्ट है अरे ये कहीं भी इधर ईस्ट है ये ईस्ट है ये ईस्ट है ऐसा नहीं कि इस लाइन पे ही ईस्ट इस तरफ है इस प्लेन में कहीं भी इस तरफ ईस्ट है आप यहां पे हो और यहां आ रहे हो तो ईस्ट है ऐसे तो है नहीं कि इस लाइन पे ही ईस्ट है आपको समझना होगा कि इस लाइन पे ही ईस्ट नहीं है एनी वेयर इन प्लेन आप जब भी राइट की तरफ जा रहे हो आप ईस्ट में जा रहे हो तो यहां से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ये ईस्ट है और आपको 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है आप यहां चले गए और ये एंगल हो गया थर्टी सेवन डिग्री और ये हो गया फिफ्टी किलोमीटर और टाइम कितना लगा टू पॉइंट फाइव आर टू पॉइंट फाइव आर ये हो गया ये तो मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए बताया है नहीं ये ऐसे आप यहां पे हो और यहां से आपको 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है यानी ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ तो ये ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट तरफ है तो आपने 37 डिग्री चले गए फिर, फिर कुछ बोला है क्या करें वो विथ uh, वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आर देन इट मूव विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आर फॉर 10 मिनट ड्यू साउथ अब साउथ की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट तक वो मूव करते हैं यानी कितना डिस्टेंस होगा 10 मिनट 6 बाई सिक्स किलोमीटर 10 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगी कार तो देखो जरा तो तो यहां से 5 किलोमीटर अब इस पॉइंट पे है ए बी सी एन डी अब इस पॉइंट से साउथ तो डाउनवर्ड होगा सी से हमें साउथ आना है तो डाउनवर्ड होगा आ आगे कितना टाइम लगा वन बाई सिक्स आवर्स टेन मिनट इज टू वन बाई सिक्स आवर्स आपको यूनिट का ध्यान रखना है यूनिट कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए आप अगर आर में लिख रहे हो तो हर जगह आर में लिखोगे या मिनट में लिख रहे हो तो हर जगह मिनट में लिखोगे तो ये हो गया फाइव किलोमीटर और टाइम कितना लगा वन बाई सिक्स आर अब कंप्लीट मैपिंग हो गई कार यहां से चली थी और फाइनली यहां पहुंच गई है यह सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपको बताना है एवरेज स्पीड तो आपको क्या मालूम क्वेश्चन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, टोटल टाइम टेकन एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ कोर्स अगर एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो देखो जरा तो तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यार टोटल डिस्टेंस सिंपली जैसे जैसे कार गई है ट्वेंटी फिफ्टी सेवेंटी और फिफ्टी टोटल डिस्टेंस मैं लिखने जा रहा हूं Total distance Total distance would be twenty plus fifty plus this fifty plus this five.

वन नहीं पॉइंट कितना होगा पॉइंट वन सिक्स आर पॉइंट वन सिक्स आर टोटल टाइम कितना हो गया टोटल टाइम फोर पॉइंट वन सिक्स आर और टोटल डिस्टेंस वन टू फाइव किलोमीटर तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इजीली यू कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वन टू फाइव बाई फोर पॉइंट वन सिक्स किलोमीटर पर आवर यही एवरेज स्पीड है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन आपको पता ही है अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो जरा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वट इज डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली चेंज इन पोजिशन तो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है यू मस्ट नो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे डिस अब देखो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि कार कहां थी और कहां पहुंच गई कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजिशन कार इनिशियली यहां थी और अब कार कहां है अब यहां पे है तो अगर मैं ये लाइन बता दू हां अगर मैं इस लाइन जो मैंने रेड लाइन से खींचा है जो रेड कलर से खींचा है अगर मैं इस लाइन का लेंथ बता दूं, क्योंकि तो कार पहले यहां थी अब कार यहां पे पहुंच गई है डिस्प्लेसमेंट so, बताने के लिए यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजिशन फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन तो देखो अब हमें क्या है इसका लेंथ हम कैसे बताएंगे लेंथ कैसे बताएंगे और ये एंगल कैसे बताएंगे तो so, अब हम एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट बिंग अ वेक्टर क्वांटिटी फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिसप्लेसमेंट आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए जैसे सपोज अब ये एवरेज स्पीड वगैरह सब तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया फाइनल डिस्प्लेसमेंट बना बताने के लिए आपको सारे डिस्प्लेसमेंट सपोज फाइनल डिस्प्लेसमेंट डी है तो यू हैव टू कैलकुलेट you have to add vectorially vectorially you have to add all displacement suppose this is d1 this is d2 this is d3 and this is d4 so final displacement is d1 plus d2 plus d3 plus d4 we have to add हैव टू गेट फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड यू नीड फाइनलिटी तो अब हम लिखते हैं अच्छा ये देखो ये अब हम आई और जे में यू you नो know, आई और जे ना एक्स और वाई में हम रिजोल्व कर लेते हैं वेक्टर है तो हम x एक्सिस में जो वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम i कैप से डायरेक्शन दिखाते हैं और जो जो वेक्टर वाई एक्सिस के है पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस के या y के या नेगेटिव हम उसको जे कैप या माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो ये डी वन डी वन कैन बी एज देखो ध्यान से ट्वेंटी आई सिंपली सिंपल बेसिक वेक्टर का यूज है नथिंग मोर बेसिक वेक्टर बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर ट्वेंटी आई प्लस फिफ्टी जे ट्वेंटी आई प्लस फिफ्टी जे प्लस अब ये देखो जरा तो अब ये तो i और j में ये तो थर्टी सेवन डिग्री पे है तो हम इसको इस फिफ्टी किलोमीटर को रिजॉल्व कर देंगे ऐसे फिफ्टी अब ये थर्टी सेवन है तो ये हो जाएगा फिफ्टी कॉस थर्टी सेवन आई एंड फिफ्टी साइन थर्टी सेवन जे वेरी सिंपल अगर कोई वेक्टर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है d1 वन कॉस थर्टी सेवन डी वन साइन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया और हमने देख लिया कि इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना है वाई एक्सिस पे कितना है आइन अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सारा रिजॉल्व करना आपको आता आता होगा तो मैंने लिख दिया सिंपली फिफ्टी कॉस थर्टी सेवन आई फिफ्टी कॉस थर्टी सेवन डिग्री आई कैप प्लस फिफ्टी साइन थर्टी सेवन डिग्री जे कैप इस डायरेक्शन इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया आई और जे में और एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस यू कैन से और फिर वो लास्ट जो है लास्ट डिस्प्लेसमेंट वो माइनस जे कैप के तरफ है माइनस वाई एक्सिस तरफ है तो हमने उसको लिख लिया माइनस फाइव जे कैप ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट हम इसको लिख सकते हैं ट्वेंटी आई फिफ्टी जे ये फिफ्टी कॉस्ट थर्टी सेवन आई आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कॉस थर्टी सेवन डिग्री इज इक्वल टू फोर बाई फाइव एंड साइन थर्टी सेवन डिग्री बहुत पॉपुलर है ये थ्री बाई फाइव सिंपली तो ये फिफ्टी कॉस थर्टी सेवन फोर बाई फाइव टेन फोर्टी आई ये हो गया फोर्टी आई दिस इज फोर्टी आई और ये कितना हो गया थ्री बाई फाइव थर्टी जे हो गया थर्टी जे थर्टी जे और माइनस फाइव जे ट्वेंटी आई प्लस फोर्टी आई सिक्सटी आई ओके मैं फाइनल आंसर आपको लिख देना चाहता हूं तो so, ये हो गया ट्वेंटी आई प्लस फोर्टी आई सिक्सटी आई ओके सिक्सटी आई कैप प्लस दिस फिफ्टी जे प्लस थर्टी जे एटी जे माइनस फाइव जे सेवेंटी फाइव जे दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट आई के फॉर्म में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर के फॉर्म में आया है देख लो तो ये डिस्प्लेसमेंट है और आपको एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए और यू ऑलरेडी नो टाइम टाइम कितना है 4.16 4.16 वन ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी ये हो गया एवरेज वेलोसिटी तो आपने देखा कि कैसे वेक्टर का यूज हुआ कैसे डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज हुआ और कैसे आप ये जो बेसिक फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सलेशन और एवरेज स्पीड uh, इसका यूज करके आपने बताया देखो तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको इन चीजों को एक्सप्लेन किया ठीक है अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है ध्यान से देखो जरा तो जो थोड़ा वेक्टर की चीजों को आपको एक्सप्लेन करेगा जल्दी जल्दी करते हैं ना? जल्दी जल्दी करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये शायद किसी एग्जाम में पूछा भी है इस तरह का हमेशा पूछते हैं ये एवरी टाइम आस्क द सेम कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट डेटा यू नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट और डेटा तो कुछ भी हो सकता है नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है अब देखो जरा इसको पढ़ के देखो तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि क्या पूछ रहा है बताओ जरा तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं टाइम कम है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं ठीक है नहीं ठीक है देखो अ कार इज रनिंग विथ स्पीड थर्टी किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट जैसा मैंने बताया ड्यूइस्ट ये सब कर ही सकते हो इट टेक्स लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड इन टू सेकेंड ये सिचुएशन दिया हुआ है कंडीशन इज गिवेन एंड यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी एंड दिस डायरेक्शन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी केयरफुली गो थ्रू क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट ऑप्शन इज वॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी सेकेंड ऑप्शन यू हैलकुलेट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी केयरफुलरफुली मैग्निट्यूड ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ओके एंड थर्ड इज वॉट मैग्नीटूड ऑफ एवरेज एक्सिलेशन एवरेज एक्सिलेशन हमने नहीं कैलकुलेट किया था आप दो सेकेंड में जरा सोचिए कैसे आप प्लान करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे प्लान करेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपके बेसिक वेक्टर के यूज को वैक्टर के सेंस को बेसिक चेंज इन वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जरा आप ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या आप कैपेबल हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए गो थ्रू क्वेश्चन मैं आपको तीस सेकेंड दे रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन करूँगा जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो ध्यान से देखिए और जब मैं फॉर्मूला और जो थियरी यूज करूंगा वो मैं लिखूंगा और आप श्योर कीजिए कि आपने सीख लिया वो थियोरी वो फॉर्मूला नहीं बिकॉज़ ये सब ये सब टॉपिक्स तो बहुत लंबे हैं क्लास में तो बहुत ही ज्यादा टाइम देके इसको इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है बट टाइम बहुत कम है तो क्रैश कोर्स या इस तरह की चीजों में इतना सफिशियंट है अब देखो मैं सिचुएशन लेता हूं और आपको बताता हूं कार इज ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन पर आवर तो कन्वीनियंस के लिए कन्वीनियंस के लिए इसको हम चेंज कर लेते हैं ना मीटर पर सेकंड में हमारा परसेप्शन मीटर पर सेकंड में ज्यादा है ना तो वी चेंज दिस इंटू सबको पता है एक कन्वर्जन तो ये हो गया टेन मीटर पर सेकेंड नहीं टेन मीटर पर सेकेंड से एक 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इट टेक्स लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड इन टू सेकेंड अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं इन्होंने स्पीड दिया है ड्यू ईस्ट का मतलब टेन आई भाई ड्यू ईस्ट का मतलब तो यही हुआ टेन आई ये ईस्ट है देखो ये ईस्ट है ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये वेस्ट है तो टेन आई इन्होंने दे रखा है ड्यू ईस्ट अब दो सेकेंड में विदाउट चेंजिंग स्पीड इट टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ ये मुड़ गई ऐसे और स्पीड का, स्पीड कांस्टेंट है यानी स्पीड में इसके मैग्निट्यूड में चेंज नहीं आया टेन आई है तो इस तरफ क्या हो जाएगा डायरेक्शन ओर बदलेगा ये टेन जे हो गया सिंपल पहले वेलोसिटी थी टेन आई टूवर्ड्स ईस्ट अब उतनी वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ हो गई सिंपल तो क्या कैलकुलेट करना है जरा देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले तभी तो मैग्नीट्यूड चेंज कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रूशियल बहुत कंफ्यूजन होता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन एनी थिंग इज वॉट चेंज इन एनी थिंग इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू दिस इज वॉट चेंज इज ओके तो सिंपली हम चेंज निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी केयरफुली चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी टेन जे और व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी टेन आई टेन जे माइनस टेन आई कैप दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं इसको डेल्टा लिखूं तो आई कैन इजीली राइट लाइक टेन जे कैप माइनस टेन आई कैप दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन तो दिस इज वेलोसिटी दिस इज ए वेक्टर एंड यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर तो आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो देखो Magnitude is what? 10 is square plus 10 is square. Magnitude is 10 root 2. This is magnitude. And what about direction? This is what? What is 10 root 2? This is magnitude of change in velocity. First, you find change in velocity. Then, you find magnitude of change in velocity.

माइनस टेन आई दिस इज वॉट माइनस टेन आई इज दिस इज टेन आई इस तरफ टेन आई तो इस तरफ माइनस टेन आई दिस इज आई कैप दिस इज माइनस आई कैप लाइक दिस ये यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल तो बताओ अब ये एंगल क्या है ये भी टेन है और ये भी टेन है ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल आएगा तो आपको एंगल में तो बताना नहीं है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में बताना है बिकॉज आंसर में तो ऐसे ही दिया हुआ है आप ये भी बता सकते हो कि फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम वेयर तो कंफ्यूजन होगा तो देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो एग्जैक्ट मिड में आप क्या कहते हो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मीन्स इन इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी फोर्टी फाइव डिग्री तो आपका आंसर क्या होगा हाउ वुड यू रिपोर्ट योर आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज टेन टू टू एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट इफ यू ड्रॉ अ लाइन मेकिंग 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस

You must be able to find quickly that B option zero. There is no change in magnitude of velocity. Of course, there is no change in magnitude of velocity. Ten meter per second towards east and ten meter per second towards north too. So there is no change in magnitude. Okay. Now magnitude of average acceleration and its direction during turning. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीन नाउ व्हाट इज एवरेज टाइम टेकन लेट मी डिफाइन एवरेज एक्सीन व्हाट इज एवरेज एक्सीन इट्स नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन का रे तो चेंज इन वेलॉसिटी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड वट चेंज ए कैप एंड दिज एवरेज विलॉसिटी एंड एवरेज एक्सीन दिज टू आर विक्टर क्वान्टिटी और एवरेज एक्सीन का डरेक्शन क्या होगा जो वेलॉसिटी का डायरेक्शन होगा यानी जो चेंज इन वेलॉसिटी का डरेक्शन होगा एवरेज वेलॉसिटी का डायरेक्शन क्या होगा जो डिसप्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एवरेज विलॉसिटी का डायरेक्शन क्या होगा जो चेंज इन पोजिशन या डिसप्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ओके okay? तो ये दो बड़े बड़े पॉइंट आ गए अब आपके पास एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है जस्ट यू राइट चेंज इन वेलोसिटी यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड चेंज इन वेलोसिटी दिस इज टेन जे माइनस टेन आई कैप एंड टाइम टेकन इज टू सेकेंड सो फाइव जे माइनस फाइव आई दिस इज एवरेज एक्सेलेशन फाइव जे माइनस फाइव आई एवरेज एक्सेलेशन एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन सेम लाइक एवरेज बिलोसिटी बिकॉज फाइव जे एंड फाइव आई फाइव जे माइनस फाइव आई इज अ डायरेक्शन पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट तो ये देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आ, और ये कन्फ्यूजिंग भी था नहीं चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ओके चेंज इन वेलोसिटी को लोग वेलॉसिटी समझ लेते हैं चेंज इन एनी क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी इट या जब भी आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज तो रेट ऑफ चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी इन विच इन टर्म्स यू आर डिफाइनिंग द थिंग्स अब लाइक एक और जरा आप नोट कर लीजिए तो लेट मी राइट टू थिंग्स वन इज वॉट डी वी बाई डी टी एंड इट्स मॉट एंड सेकेंड इज दिस और आप देखते हैं जरा कि ये क्या है आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज एक्सीन दिस इज मैग्निट्यूड ऑफ एक्सिलेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी वेरी केयरफुली क्या ये मैग्निट्यूड ऑफ ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है सिंपली magnitude of acceleration magnitude of change rate of change of magnitude of rate of change of velocity and what is this what is this yeah मोड क्या है ये स्पीड है ये स्पीड है अब क्या लिखते हो अगर ये वेलोसिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप एवरेज स्पीड नहीं कह सकते दैट्स डिफरेंट थिंग ध्यान दो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी यू कैन नॉट से मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड

तो ये दोनों क्वांटिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का लेक्चर बस इतना ही कंक्लूड करता हूँ इससे पहले कि लेक्चर मैं कंक्लूड कर लूँ आपने आज बेसिक चीज़ें सीखी कैसे एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैलकुलेट करेंगे कैसे वेक्टर का यूज करते हैं तो बेसिक बेसिक बातें आपने सीखी और आपका आई थिंक ये जो मोशन इन वन डायरेक्शन है जो आप देख रहे थे अब एक लेक्चर और चाहिए होगा जो मोशन की और सारी मोशन और कानिक इतना बड़ा चैप्टर है कि एटलीस्ट इट विल रिक्वायर टू थ्री और फोर टू यू नो कवर ऑल सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स ठीक है थैंक यू सी यू सी यू नेक्स्ट लेक्चर बाय ऑन स्टून स्टडीज ऑन कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए स्टून पर बने रहिए